एक आदमी बता दो अजमत के एक भी आदमी वक्त पे कौन गयो, एक भी बता दो। रोज सोशल मीडिया पे फोन में स्टेज पे सबे तो देख रहे हो, एक भी आदमी बता दो वक्त पे कौन गयो। खुदा की तो मारे वो मछली, अब तो घर में भी जूत बाज रहो। आज आज मंत्री बनू कह रहो बेट चो दे बर्बादी है तो रोक दे की पैसा बांट रहो, वोट कोई ना दे रो। एक थोड़ा पैसा लिया है तो हमने पता लगा जो रही सके मैं जब मैं सुख उठ के जा रहा हूँ ना वहां के भी दाग लग रहा हो या के साथ तो पता कितना बुरा हो रहा हूँ। जो भी जा रहा हूँ वही कितना रो बिको सौदा करिया है तो या मारे वहां के घर ही आप बिको सौदा करिया ना कर रहे। सिरौली की मैंने ये सुनी एक तीन ढोंडा वहां के पास हाँ तीनों पैसा लिया है बताए। अब वो क्या प्रोग्राम कर प्रोग्राम कर गाँव के मेरे के वोटर ने पता लगी करिया है सौदा आते ही वाला ठुटा लियो बहन जो तू तो करिया सौदा कहीं दे वोट अब प्रोग्राम कहां से करा। तो बुरा हाल हो रो बदर मच रही है। सही बात ही है इंशाल्लाह एक तारीख तक ना 100% जमानत जब्त होगी 100%। सलीम भाई तो कह रहे हो कि 20-25 हजार रुपए। सलीम भाई कोई शर्त लगा तो हो तो मैं लगा लू तैयार हूँ, यही इलेक्शन के खर्चा यही सुली काट लेंगे कोई लगा तो हो तो एक के सवा दे तू मैं कुछ ना बचती है। सही बात ही है भाई साहब उतना इज्जत बचा रहा हूँ कि आगे के लिए मैं इज्जत सुहार जाऊं तो मैं कहीं यार कागज लेके डोल लूंगा कोई पार्टी टिकट दे देगी। हमारी वजह सुना मिली मंत्री जुलियो बोट भाई ये तो खुदा की तरफ से हुक्म हो रहा है। सारे आदमी कोई हमारी मानते क्या, एक आदमी तो ऐसे होता है भाई रईसक पे चला जाए कोई भी नजर वो आदमी पे। आदमी ने कब्रिस्तान भेज दिए मस्जिदों का पैसा खा गया इमामों की बद्दुआएं ली मस्जिदों के एसी अपनी कोठियों में लगा दिए जो आदमी ने वहां पे अजाब पड़ेगा वो पुण्य मिलेगा अजाब भी पड़ेगा। ऐसे साथी बैठे अपने चौधरी शेर खान का नाम तो सिंगार में सब भाई नहीं सुना है, एक बहुत मशहूर आदमी रहे उनके बेटे भी यहाँ मंच पे बैठे हैं। माफी चाहूंगा भाई मैं देख नहीं पाया था। बाकी मेरे जो 22 से आए हुए जितने भी सरपंच हैं जिम्मेदार आदमी हैं उनसे भी माफी मांगना चाहूंगा भाई मैं उनका नाम नहीं ले पाया मंच पे। मैं आगे हाजी चौधरी अख्तर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दो सर्दियां रखे जोरदार तालियां हाजी अख्तर के लिए। चौधरी इलियास के भाई है छोटे एक जोरदार तालियां। और पूरी सिदारी गोरवा गांव बादरी तुमने तो चक्का गम कर दिया लोग होगी बादरी जाम सच्चे मात्र में एक मेरा बहुत नसीब है मैं बाबा ही कह रहा आखिरकार इनकी यू पिलानेंगी रही जाएगी कोई यू टिकट अगर सलीम को मिल गया तो मेरा मामला खत्म है या एजाज को दिवा दियो और एजाज मंत्री जी हरा सके मैं जीत जाऊंगा खट्टर सुई बात मैं जीत जाऊंगा आपको हूँ तो खट्टे तो खोले या ना कहीं और को या नू ना पते जी सारे मामले नू कोई चला जाएगा बाबा मही अभी खुद की रोवा खट्टा में ना बाबू हार रहे या सुन ना ही खुद जीत रहो और खट्टे भी पता लग जाएगी आज मैंने टिकट कहाँ दिया और कहाँ हूँ रही सा आरो मेरे पे जीत के। तो मेरी सभी साथी से खास करके हमारे नंगा वाला जो सुन रहा अपना सारा मत भेदन ने खत्म करके पहली बार मैंने आपसे वो हाथ जोड़ के वोटिंग की अपील कर रहा हूँ। आपसे पहले बार सुना होगा मैंने आज तक ना कहीं जो जहाँ लग रहा हूँ वो वही वोट दे रहा हूँ लेकिन मेरी हाथ जोड़ सुहा से बड़ा गाँव के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब एक तरफा मुँह सारी सारे इलाकों बाबा के साथ लगो पड़ो अल्लाह ने चाहे तो जीत तो बाबा की हो चुकी अब बात क्या चीज की रहेगी माजन कितनी हो आपके पास खुदा के बात और बता दो जो अगली बार ही डटेगी ना पुराना में हो चुकी लेकिन यहाँ को तुम दिखाते हो जो ये अपनी जमानत ना बचा ये तो यहाँ भी बताओ ये तो सिर्फ अपनी जमानत बचाना की कोशिश कर रहा हूँ सच्चाई में यहाँ बताओ मैं हार चुका लेकिन ये तो जो इन पैसा ने बांटो कहीं 10 लाख दे दिया कहीं को 15 लाख दे दिया कहीं को 25 लाख दे दिया अब तुम नु बताओ बाबन दियो करियो रुपयो है 10 लाख तो बाबा 10 साल भी ना दिया कहीं को छोटी बड़ी बात है 10 लाख में ब्याज मिला रुका मैं लेकर 10 जमात में जा रहा हूँ कहीं जा रहा हूँ।